मेन फ्रेयोस्फीयर के ऊपर बनने वाला एक ह्यूज प्रोजेक्ट लाहौर स्काई। ओजी डेवलपर्स जो ऑलरेडी बहरिया ऑर्चर्ड फेस 4 में बहरिया स्काई के नाम से अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, 9 फ्लोर उनके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने लाहौर स्काई मेन फ्रेयोस्फीयर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मैं आज आपको दिखाऊंगी लाहौर स्काई की साइड के पाइलिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है, डिगिंग का काम कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद हम लोकेशन देखेंगे, लोकेशन के बाद हम लाहौर स्काई का मॉडल विजिट करेंगे। आए चलते हैं साइड पे। व्यूवर्स हम पहुंच चुके हैं लाहौर स्काई की साइड पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ जो पाइप नजर आ रहे हैं ये पाइलिंग के पाइप है। पाइलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और डिगिंग का मराहल स्टार्ट होने वाला है। मौसम की वजह से डिगिंग का काम रोक दिया गया है, लेकिन मौसम के ठीक होते ही 1 से 2 दिन बाद कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे वो ओवरसीज क्लाइंट जो यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि साइट विजिट करें पहले फिर जाके हम बुकिंग करवाएं, तो उनके लिए भी आसानी पैदा कर दी गई है। ओजी डेवलपर्स ने यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और ये कंस्ट्रक्शन आप लाइव देख सकते हैं घर बैठे यूट्यूब चैनल पे। आप किसी भी टाइम अपना यूट्यूब चैनल ओपन करें और लाइव कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं लाहौर स्काई की। किसी भी प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो लोकेशन रीड की हड्डी का काम करती है। लाहौर स्काई आपको मिलता है मेन फ्रोजपुर पे, इसके बिल्कुल सामने आपको मिलता है बिल्किस हॉस्पिटल और साथ में आपको मिलता है सेंट्रल पार्क और भी बहुत कुछ। व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि ये लाहौर स्काई का 3D एलिवेशन है। अगर इसमें मैं ब्लॉक्स की बात करूं तो इसमें 4 ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं, और अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग आपको पूरे लाहौर में कहीं पे भी देखने को मिलती। तो अगर मैं थोड़ा सा लोकेशन की बात कर दूं तो ये मेन फिरोजपुर पे है। फिरोजपुर पे जाते ही साथ आपको बल्किस हॉस्पिटल मिलेगा, उसके साथ आपको सेंट्रल पार्क मिलेगा और प्राइम लोकेशन पे आपको मिलता है लाहौर स्काई। अगर आप लाहौर में एक ऐसी हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो सबसे यूनिक हो और आपको बहुत ही मुनासिब रेट पे मिल रही हो, तो वो है लाहौर स्काई। बहरिया स्काई के बाद अब ये लेके आ रहे हैं मेन फिरोजपुर पे अपना लाहौर स्काई। ओजी डेवलपर्स के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। अगर मैं इसमें बुकिंग की बात करूं तो आप 20% देके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर मैं इसका थोड़ा सा और ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर दूं कि ये बिल्डिंग कितने फ्लोर पे बनने जा रही है और कितने स्क्वायर फीट की है, तो 350 स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग बनने जा रही है। लाहौर में आपने देखा होगा कि 350 स्क्वायर फीट की अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी, तो ये एक ऐसी हाई राइज बिल्डिंग है जो लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। लाहौर स्काई के मैं एरिया की बात करूं तो ये 73 कनाल पे बन रहा है। और अगर मैं इसमें पार्किंग की बात करूं तो बेसमेंट में 3 कार पार्किंग दी जा रही है, और इसके साथ ही आपको एक और टावर मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का यही मसला होता है कि हम कार पार्क कहां पे करें, तो ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो चुकी है। लाहौर स्काई ने आपको एक पूरा टावर सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। इसके साथ आपको इस बिल्डिंग में पूरा साल DF4 देखने को मिलता है। पूरा साल जो एक सेल लगती है वो आपको लाहौर स्काई में डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स देखने को मिलते हैं। आप पूरा साल शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रेट्स पे। कि अभी जो करंटली रेट है वो 14,000 पर स्क्वायर फीट है, लेकिन 20 सितंबर के बाद यही रेट्स आपको 16,000 से 17,000 पर स्क्वायर फीट मिलेंगे। मतलब 20 से 30 लाख का ह्यूज डिफरेंस इसमें आ जाएगा। अगर आप भी 20% डाउन पेमेंट देके अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं लाहौर स्काई में, तो देर मत करें।